नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के कुछ बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त व्लॉग में। और यहां पर दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल शानदार होने वाला है, जिससे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से शानदार से याद आया कि मेरी फिलहाल बहुत ही एक शानदार सी राइड चल रही है। हम मतलब फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो लिमो है इसमें काफी अच्छे से मजा आ रहा है, और मजा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जैसे आप लाइक और शेयर कर दो, आपको पहले टूर देता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो वैसे जो एक्सपीरियंस है यार वो बड़ा ही सही चल रहा है। वैसे मेरा व्लॉग का कोई प्लान नहीं था, बिकॉज मैं फैमिली के साथ था भी, लेकिन मुझे लगा कि यार क्यों ना एक थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करते हैं व्लॉग में इसके बाद में। ऑल दो खैर और कुछ कुछ चीज़ें आप आगे देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन जो फिलहाल अभी एक्सपीरियंस है लिमो का वो बहुत सही है। पिछले काफ़ी टाइम से वैसे रोड्स पे घूम रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, और काफ़ी एकदम पूरा पार्टी वाला सीन बनाया हुआ है। हल्की हल्की शाम बाहर हो रही है और अभी घर की तरफ ही जा रहे हैं। और जो पूरा एक्सपीरियंस है मतलब यहाँ पे जब आप अपने ग्रुप के साथ में होते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। और फिलहाल ये मज़ा मैं उठा रहा हूँ, आप भी उठा रहे हो वीडियो के थ्रू, तो बस ऐसे ही उठाते रहो। दोस्तों बहुत मजा आया, बहुत 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 ज्यादा मजा आया। होप कि आपको अभी तक बहुत मजा आ चुका है, तो आगे इस वीडियो को मजे देखने के लिए देखते रहो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गो। डे टू। दोस्तों अभी हो गया है द नेक्स्ट डे, जिम निकल रहा हूँ, तो बातें करते हैं बाकी गाड़ी में। और दिन काफी अच्छा होने वाला है आज, थोड़ा सा जिम का व्लॉग करते हैं। चलो लेट्स गो। बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। आई मीन बाहर निकलो एक मिनट के लिए खड़े रहो और इतनी तेज गर्मी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा। मतलब यार ना आप में से काफी व्यूअर्स ने कहा था एक्चुअली कि जिम का व्लॉग बनाया जाए, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, और जिम का व्लॉग बनाते हैं। आज है मेरा डे बैक और ट्राइसेप्स के लिए काफी मजा आने वाला है। और आई मीन आज फ्राइडे है ना, तो मेरा जो जिम है वो रात को 9 बजे बंद हो जाता है। अदरवाइज जो जिम का टाइम है वो रात को 11 बजे तक होता है, बट फ्राइडे है तो 9 बजे बंद हो जाता है। और ट्राइसेप्स और आर्म्स की बात ऐसी है कि ये जी वैगन चला लोगे ना तो स्टेयरिंग सही हो जाता है, आधा वर्कआउट तो आपका जब गाड़ी आप घुमाते हो ना तो उसी से हो जाता है। बट एनीवेज अंदर वाली वीडियो कैसे बन रही है आई हैव नो आइडिया कि इस कैमरा से कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, बट अदरवाइज जो बाहर का सीन है वो बहुत ज़्यादा सही एम्बियंट लाइटिंग के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मज़ा आता है। और आज चलो देखते हैं वर्कआउट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। सिग्नल है ये, मेरे को अक्सर लाल मिलता है, जो कि अभी भी लाल है। जब तक जाएंगे तब तक ग्रीन होगा क्या? हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, अरे होएगा होएगा होएगा, अभी होएगा। जब आप थोड़े से लेट हो रहे होते हो उसी टाइम पे आपको सारे सिग्नल लाल मिलते हैं, उसी टाइम पे आपको सारी रास्ते में जो भी रुकावटें होती हैं वो सब देखने को मिलता है। बट एनीवेज अभी ये जो सेटअप है ना, जहाँ पे एक कैमरा ऐसा जो घूम भी सकता है, और ये कैमरा फिक्स वाला, आई मीन ये पूरा एकदम दिमाग जो है वो चारों तरफ घुमा देता है और काफी अच्छे से जो है वो वीडियो बनाता है। मेरे लिए भी काफी आसान होता है कि मैं सीधा बोल बोल के इन कैमरे को कंट्रोल कर पाता हूँ। अभी बस यहाँ से मुड़ेंगे और थोड़ा सा आगे जाते मेरा जिम आ जाएगा। ज्यादा कुछ जो है वो यहाँ से डिस्टेंस पड़ता नहीं है, मतलब काफी नजदीक है। चलो सिग्नल भी अपना ग्रीन हो गया है। चलो भैया वैन वाले भैया, और वो सनसेट देखो आप कितना सही लग रहा है यहाँ से। ये एक और सिग्नल, चलो कोई बात नहीं। वैसे दोस्तों एक बात है कि जब से मैंने अपना ये वर्कआउट वाला पूरा जो सिस्टम है वो शुरू किया है ना, आई मीन मेरे को आज भी याद है मैंने 13 जुलाई से वर्कआउट स्टार्ट किया था, आई मीन लास्ट ईयर। अभी ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं, और स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल पड़ता था करने के लिए, मतलब क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में यार बहुत पहले, आई मीन बहुत बहुत पहले यार 2011-12 के टाइम पे, फिर बाद में थोड़ा बहुत 13-14 के टाइम पे मैंने हल्का फुल्का मैंने कभी कभार जो है वो जिम किया था। पिछले ऑलमोस्ट 6-7 सालों से मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब हाथ भी नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद में जो अभी दोबारा स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मतलब डेली जो वर्कआउट है वो होगा ही होगा, प्रॉपर डाइट जो है वो होगी होगी। मतलब पिछले एक साल से मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया,
समोसा कचोरी नहीं खाया या फॉर देट मैटर मतलब यू नो कुछ भी ऐसा जंक नहीं खाया, तो मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम सॉलिड मेंटेन करी हैं। अभी जो डाइट है वो एकदम ऐसा है कि एकदम गिन गिन के पोर्शन होते हैं कि हाँ मैं एकदम इतना ब्रेकफास्ट है, फिर इतना लंच है, इतना डिनर, मतलब एकदम ऐसी चीज़ें। लेकिन अभी इस रूटीन में आ गया हूँ ना तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी जो है ये लगता है कि हाँ यार कितना सही जो है रूटीन बना हुआ है। तो चलो सही बोलते बोलते अपना जो सिग्नल है वो भी ग्रीन हो जाएगा और हो गया, क्या बात है। मॉल में जो पार्किंग है वो कभी कभार थोड़ी सी फुल से मिलती है, गाड़ियां 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 एकदम पार्किंग फुल है। पार्किंग मिलेगी क्या मुझे? साइड से देखो ना, सारी की सारी पूरी पार्किंग फुल मिल रही है यहाँ से। तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हूँ, जो हमारे ट्रेनर है रियाज भाई वो 6:30 पहुंच गए थे और अभी 6:55 हो गया है, और जिम जो है वो भी 9 बजे तक का ही है। पार्किंग तो है आई मीन, लेकिन यहाँ से चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लालच करें या लगा दें, यार लगा देते हैं आगे, वरना पता चले कि बाद में नहीं मिल रही है तो दिक्कत हो जाएगी। अब बातें जिम पहुँच के सीधा डायरेक्टली, चलो। मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी और जो मेरा जिम है वो ऑल द वे उस कोने में है वहाँ पे। अभी जल्दी से भागता हूँ, ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ। मैं ना रियाज भाई के साथ में इस वर्कआउट वाले ब्लॉग की प्लानिंग कितने से कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? एक महीने से ऊपर हो गया बिकॉज बैक का करते हैं हर 4 दिन में हो रहा था और हमेशा बोलते हैं भाई कल करेंगे नेक्स्ट टाइम। मेरे को लगा आज तो करना ही था, तो इसलिए अभी जिम ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, कुछ तो अच्छा मिलेगा आज ना, चलो करते हैं। वार्मअप शुरू हो गया है और बैक के लिए वार्मअप जो है वो है स्ट्रेचिंग के बाद में पहले चिनअप्स, उसके बाद में वाइड वाले पुशअप, वाइड पुशअप ना भाई, यस वाइड पुशअप बैक के लिए। तो इसके 3-3 सेट हम करते हैं, 15-15 पुशअप्स और ये 5-6 समथिंग जस्ट टू वार्मअप। उसके बाद में एक्चुअल वर्कआउट होगा आई थिंक 7 या 8 एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज करेंगे अलग अलग, बहुत मजा आएगा। कैसा था वार्मअप? बढ़िया था भाई, हमेशा की तरह। आज कुछ ज़्यादा करवा रहे हो आप लगता है, वीडियो बन रहे थे रियाज भाई को लग रहा है कि हाँ कुछ तो स्पेशल करना चाहिए। वन ऑफ दी फेवरेट एक्सरसाइज लैट, इसको हम फ्रंट और बैक दोनों करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट से, 4 सेट करेंगे। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन जो रियाज भाई बोलते हैं वैसा करता हूँ, लेट्स सी। इसका जो वेट है इसका वेट मेरे वेट से ज़्यादा है। तो ये है मेरी वन ऑफ दी बैक के लिए फेवरेट मशीन, ये है सिंगल हैंड रो मशीन बैक के लिए। नॉर्मली हम डंबल से करते हैं, वो एक बेंच पे पैर टिका के जो करते हैं ना ऐसा वाला, लेकिन ये ज़्यादा एनहांस सेफ्टी के लिए मशीन यूज़ करते हैं। मतलब रिया भी आज मारने का मूड है क्या? नहीं भाई ऐसा, मैंने जब जिम ज्वाइन किया उस टाइम पर मैंने एक कागज़ पर साइन किया था उसका मतलब क्या था? जितना पानी आउट उतना साथ में पानी होना चाहिए ताकि आप जो है वो डिहाइड्रेट नहीं हो जिम में। भाई इसको मैं बोलता हूँ ये है शोकेस वाली मशीन, क्योंकि बैक लेग के तरह सबसे बढ़िया लुक आता है मेरे ख्याल से। तो ये करते हैं अगेन 4 सेट, बड़ा मजा आने वाला है, लेट्स गो। मेरे दिल की धड़कन तो बहुत तेज है इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा है। आप कुछ बोल रहे थे इसके बारे में जो आपने किया है अभी? प्रोफेशनली ये जो बिगनर्स के लिए एडवाइसेबल नहीं है, ओके, क्योंकि एक तो उनका नेक मसल जो है वो वीक होता है। हाँ, तो प्रैक्टिस करने के बाद, ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे को रियाज भाई ने ऐसा बताया इस मशीन के बारे में कि ये है अपर बैक के लिए, और पहले हमने इसी में किया था सिंगल हैंड से, वो रो के लिए मतलब उसका एक अलग
जोन के लिए था। देखो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं केवल जानता हूँ जो रियासत बोलते हैं मैं ऐसा कर लेता हूँ। अभी ये अपर बैक के लिए दोनों हाथ से एक साथ करते हैं। सेम मशीन पे थर्ड एक्सरसाइज, वैसे हमारी सिक्स्थ या फिफ्थ एक्सरसाइज। बैक दोस्तों वो एक्सरसाइज जहाँ पे ना आपको पंप फील तो होता है, लेकिन वो आपको दिखता शायद नहीं है, लेकिन आपको अंदर से फील होता है कि पीछे से मतलब कुछ ऐसे चौड़ा चौड़ा हो गया है। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे किसी भी प्रोफेशनल से कंपेयर मत करना भाई, मैं शॉप शॉप कर रहा हूँ भाई। मैं अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि ये कोई मैं कोई कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई स्टेज पे आई खड़ा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आपको अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे डेली एक घंटा डेढ़ घंटा रियाज के साथ में यहाँ पे आके और थोड़ा सा पसीना निकालते हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। ये वो चिड़िया वाली एक्सरसाइज है जिसमें ऐसे यहाँ से पंख निकल पंख। दोस्तों ये जो भी वर्कआउट हम कर रहे हैं ना, ये मैंने आज से पहले कहीं देखा नहीं था, मेरे को रियाज ने बताया था। ये इतना ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं है, ये बहुत ही रेयर है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों बैक पूरा हो चुका है, अभी रियाज भाई बोलते हैं कि ट्राइसेप से चीखे निकल पाऊंगा। भाई चीखे कहाँ से निकलेंगी देखते हैं। आज बोलते हैं सुपर सेट करेंगे अभी। लेट्स सी, बैक के अंदर भी काफी इंटेंस हो गया यार, अपने रेस्ट नहीं लिया, रेस्ट बहुत कम हुआ, कम क्या था, मैं कंप्रेस किया था। मैं आपको कभी एक दिन इसका आऊंगा, मैं पूरा तोड़ दूंगा। विदिन 10 सेकंड्स आपके 10 सेकंड इज इक्वल्स टू 5 सेकंड्स, आप 1 2 3 पर ऐसे गिनते हो। और अभी मुंह से नहीं निकल रहा है कुछ, यहां से निकल रहा है। आज पता नहीं रियाज भाई के हाथ में खाली कैमरा है, मेरे को बोल रहे हैं एक दो ये सारा कुछ कर लो। अभी सुपर सेट एक्सरसाइज एक हो गया, सेकंड सुपर सेट है। हो गया भाई, क्या जान लोगे, और भी है भाई, एक और है क्या। आज बहुत मजा आया, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा किया। मैं अभी अपने लॉकर का नंबर और पासवर्ड भूल गया हूँ, उसके बाद काम नहीं कर रहा है। आई जस्ट यूज योर डांस इन माय वीडियो। यू आर गोना से समथिंग। हाय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, से आई लव इंडिया। Oh, I love India because I like pani puri. All right, don't stop, don't keep up, full until the day break. All right, yeah. Keep in luck, man. दोस्तों मेरा वर्कआउट तो खत्म हो गया, और बाय द वे मैं अभी ऊपर आया हूँ लाउंज में, जो जिम है ना, मैं आपको किसी उसका पूरा टूर दिखाऊंगा यार। आई मीन कितना बड़ा एरिया है, और बहुत मजा आता है मैं वर्कआउट करके। और आज जो हुआ है बैक और ट्राइसेप्स का, समझ लो मजा आ गया। अब बस मैं प्रोटीन पीता हूँ और फिर घर जाता हूँ, बाकी बातें घर जाके। दोस्तों वैसे सोनी के ना मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ, इनफैक्ट जो एक कैमरा फिलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा है ये भी सोनी का कैमरा है। और हमारे पास में आया सोनी की तरफ से ये एक पैकेट, मुझे लगा क्यों ना यार इसकी अनबॉक्सिंग की जाए, देखते हैं आखिर सोनी ने क्या भेजा। बिकॉज अक्सर जो सामान होता है वो कुछ ना कुछ वीडियो ऑडियो ऐसा कैमरे वाले होता है हमारे काम के लिए। तो खैर यहाँ पे करते हैं जल्दी से इसको अनबॉक्स, देखते हैं कि सोनी ने अभी हमारे पास में क्या आइटम भेजा है। तो ये है हमारे पास में सोनी के दो माइक्स, एक है ECMW2BT, ये एक बेसिकली वायरलेस माइक्रोफोन है। ओके, ये इतनी इतनी नरम दिखती है ना कि यहां पे सारी हवा को ये रोक देती है, और उसके बाद में शुद्ध जो आपकी आवाज है वो पहुंचती है सीधा माइक में। ओके, कैरी केस बहुत छोटा है यार, दैट्स इट।
दोस्तों ये बस इतना सा, ये माइक का पूरा सिस्टम है, साथ में कैमरा के लिए केबल और एक चार्जिंग केबल। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये एक लगेगा कैमरा के ऊपर यहाँ से कुछ ऐसा, और इसमें ये जो है ये लगेगा आपके पास, आप अपनी नो शर्ट में या कहीं पे क्लिप कर सकते हो। इसके साथ में फिर आप टू वे बात कर पाओगे, और यहाँ पे इनफैक्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको भी एज अ माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। आई मीन काफ़ी सही ऑप्शन है यार, मैं इसको अपने आगे आने वाले वीडियो में यूज़ करूँगा। और ये बड़े आराम से ऐसे पेयर की तरह जुड़ा हुआ था कुछ ऐसे, तो काफ़ी हैंडी रहेगा। ECMLV1, तो इसके अंदर क्या सीन है, अगेन ज्ञान की बातें, और ये हुई ना चीज। तो हमारे पास में ये वाला माइक है, ये प्रॉपर एक स्टीरियो माइक है यार, ये सोनी का लेफ्ट राइट स्टीरियो माइक्रोफोन है प्रॉपर, और इसके साथ में फिर हम इसको लगा सकते हैं ना। मैं इसको अपने आगे आने वाले कुछ वीडियोस में यूज करता हूँ, तो फिर आपको बताऊंगा कि आखिर कैसा रहा पूरा सीन ऑडियो का, और आप मुझे बताने कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगती है इस नए सोनी के माइक्रोफोन की। तो थैंक्स टीम सोनी ये दोनों चीज़ें भेजने के लिए। और क्या दिखाएं इस व्लॉग में, सब कुछ तो हमने कर लिया कवर भैया, लिमोजीन से लेके वर्कआउट वाला भी पूरा सीन हो गया, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा दोस्तों आपको फिलहाल इस वीडियो में। तो मैं खैर आपके लिए जो अगला वाला व्लॉग लेके आने वाला हूँ वो भी काफ़ी बेहतरीन सा होगा, और फिर चीज़ें जो हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली हैं, बहुत सारा मज़ा हम करने वाले हैं। तो बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बस जल्दी जल्दी जब जब मौका मिलता है तो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।